अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बिस्मिल की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स मूसा को ऑफिस से निकाला गया और इसको ये नोटिस भी भेज दिया गया है कि तुम्हें जो भी चीज़ मिले हो कंपनी की तरफ से, जो कार हो तुम्हारे पास वो भी वापस करें और जो भी चीज़ आप के पास है कंपनी की तरफ से तो वो रिटर्न करें। ये सुनकर मूसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर अब मैं क्या करूँगा। व्यूअर्स आप देखेंगे कि उसकी माँ मूसा को कहेगी कि तुम अपने बाप से माफ़ी मांगो, क्योंकि तुम्हारा बाप ये चाहता है कि तुम उससे माफ़ी मांग लो और मासूमा से भी माफ़ी मांग लो। ये सुनकर मूसा कहेगी कि नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मर तो सकता हूँ लेकिन कभी इस लड़की से माफ़ी नहीं मांग सकता। व्यूअर्स आप देखेंगे कि डायरेक्टली तौकीर कहेगा कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और अगर नहीं तो तुम्हारा इज्जत नहीं रहेगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इज्जत वापस पहले की तरह हो जाए, हर कोई तुम्हारा इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे और तुम्हारा जो कदर था आप इसमें वो बहाल हो जाए तो तुम्हें मुझसे और मासूमा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अगले किस्म में ये भी दिखाया जाएगा कि मूसा अपने माँ को कहेगी कि मासूमा ने इसके साथ ये क्या कर दिया। शायद हो सकता है कि मासूमा कुछ ऐसा कर दे जिससे तवकील का इज्जत ख़राब हो, लेकिन ये भी मुश्किल है। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।